अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमारे एक हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है मीरपुर खास में, हीमोफीलिया मीरपुर खास वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो पेशेंट्स हैं, उनकी तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट आई कि जो हालिया शदीद बारिश और सैलाब का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान में, जहाँ दीगर सूबे और दीगर शहर और गाँव गोठ इस तबाही से मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ हीमोफीलिया खून के मर्ज के मरीज़ बच्चे भी इस बीमारी के साथ साथ इस आफत और परेशानी को फेस कर रहे थे। डॉक्टर डोंगर श्याम हमारे हीमोफीलिया सेंटर मीरपुर खास के इंचार्ज हैं और ऑन करते हैं उसको, सारी चीज़ों को उन्होंने ये सारे मामला डिस्कस किए कि यहाँ लोगों के घर भी बह गए। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची पेशेंट बेस ऑर्गेनाइजेशन है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम्युनिटी ने तय किया कि हमें अपने मरीजों की मदद करनी चाहिए, तो हम यहाँ मीरपुर खास आए टीम के साथ। यहाँ हमने अपने मरीजों को एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शन फैक्टर 8 और फैक्टर 9, राशन फॉर ड्राई फूड और दीगर जो चीज़ें हैं खाना वगैरह जो हमसे हो सका हम सब साथ लेके आए थे, और हमने उनको वो सारी चीज़ें जो थी वो फराहम की। यहाँ पर जो सूरत हाल है, सिर्फ हीमोफीलिया के मरीज़ ही नहीं, जब हम यहाँ अपने मरीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ जितने भी गांव गोट हैं सारे के सारे मुस्तहिक हैं इस चीज़ के कि उनको फौरी राशन और टेंट वगैरह फराहम किए जाए, क्योंकि उनके तमाम घर जो हैं वो बह चुके हैं और बच्चे जो हैं वो गांव गोट की ज़मीनों के ऊपर खुले आसमान के नीचे हैं। सिर्फ बात हीमोफीलिया के मरीज़ों की नहीं, बात तमाम पाकिस्तानियों की है जो इस आफत से निबड़ आजमाएं। ये एक कौमी मसला है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है और पाकिस्तान ने हमेशा अपने इस बुरे वक्त के अंदर स्पेशली कराची के लोगों ने बहुत ही तआवुन किया है। तो आज जो सूरत हाल मैंने यहाँ देखी है, लोगों के पास खाने को भी नहीं है और खुले आसमान के नीचे हैं। मैं आज उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी एनजीओज हैं जो इससे काम कर रही हैं वो खुद फर्दन उन गोठों के अंदर खुद जाएं और उन्हें राशन पानी मेडिसिन और स्पेशली टेंट, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे और उनके घर कच्चे होते हैं और वो टेंट जो हैं वो उनको फराहम किए जाएं। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा कराची के अंदर हम टेंट तलाश करते रह गए और मार्केट्स में अवेलेबल नहीं थे, तो जिन इदारों के पास या जिन लोगों के पास टेंट दस्तयाब हैं वो लाजमी आएँ। सिंध के तमाम बल्कि पाकिस्तान के तमाम मुतासरा इलाकों के अंदर ये दो चीज़ें लाजमी फराहम करें, जिसमें टेंट है, राशन है और मेडिसन है। इन बच्चों के सर पे हाथ रखें, इन माँ बाप की परेशानियों को समझें और अपना पाकिस्तानी होने के हिसाब से किरदार अदा करें। शुक्रिया।